मॉन्स्टर वर्ल्ड के तो सबसे खतरनाक मॉन्स्टर के बारे में अगर हम जिक्र करें तो उनमें से सबसे पहले नाम आता है गॉडजिला का, जो कि अपने जबड़े, शक्तिशाली कवच और अपने मुंह की मदद से एटॉमिक ब्रेथ को दुश्मनों के ऊपर वार करने में मॉन्स्टर वर्ल्ड के सबसे पावरफुल टाइटन है। और वही दूसरे नंबर पर आता है हम इंसानों का सबसे प्यारा और मददगार टाइटन किंग कॉन्ग, जिसकी सारी शक्ति अपने दोनों हाथों में और जबड़े में है, जिसकी मदद से वो अब तक कई बड़े बड़े मॉन्स्टर से हम इंसानों को बचाया है। इसके अलावा कॉन्ग के पास एक एक्स भी मौजूद है, जिसकी मदद से वो किसी भी प्रकार के पावर, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो या फिर गॉडजिला के मुंह से निकलता एटॉमिक पावर हो, वो सभी को एब्जॉर्ब करके किसी के भी ऊपर वार कर सकता है और दुश्मनों को मार सकता है। दोस्तों, अगर आपने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी को देखा है तो आपने ये जरूर देखा होगा कि बैटल ऑफ सी और बैटल ऑफ हांगकांग दोनों में ही गॉडजिला कॉन्ग को बुरी तरीके से हराया था, लेकिन उसने उसको मार नहीं डाला जैसे कि वो म्यूटोस और किंग गिदोरा के साथ किया था। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? क्या आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है? तो वीडियो को अंत तक देखिए। हम उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। दोस्तों, इसको समझने से पहले आपको एक और चीज जानना पड़ेगा, जो कि है गॉडजिला के नेचर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जरा ध्यान देंगे तो आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि गॉडजिला को डोमिनेट करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। जैसे कि आपने देखा होगा कि गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर मूवी में गॉडजिला ने किंग गिरोड़ा को हरा कर मॉन्स्टर वर्ल्ड किंग भी बन चुका है, और वो ये कभी नहीं चाहता कि कोई लॉ ऑफ नेचर को चेंज करने की कोशिश करके मॉन्स्टर वर्ल्ड को खत्म कर दे। दोस्तों, ये सब जानने से पहले जानते हैं उनके बीच हुई फर्स्ट बैटल यानी कि बैटल ऑफ सी के बारे में। इसमें देखा गया कि जब एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से कॉन्ग को स्काला आइलैंड से ले आया जा रहा था, तब एंटार्क्टिका के पास अचानक गॉडजिला का अपीयरेंस हुआ और वो कॉन्ग के ऊपर हमला भी करने लगा, और उन दोनों के फाइट में दोनों ही एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे थे। लेकिन गॉडजिला को पानी की एडवांटेज मिली और कुछ ही देर में गॉडजिला ने कॉन्ग को पानी के अंदर ढेर कर दिया। लेकिन मिलिट्री की इंटरफेयर करने की वजह से कॉन्ग उस बार बच गया था, और फिर से उस एयरक्राफ्ट कैरियर में लौट कर कॉन्ग जिंदा वापस आ चुका था। हालांकि उस समय भी अगर गॉडजिला चाहता तो कॉन्ग को आसानी से मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो अपना डोमिनेंस कायम करना चाहता था, और कॉन्ग को हराकर उसने ऐसा साबित भी कर दिया था, और शायद इसी वजह से उसने कॉन्ग को छोड़ दिया। और वही अगर इंसानों के बीच हुई दूसरे फाइट यानी बैटल ऑफ कॉन्ग की बात करें तो उसमें भी दोनों एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश कर रहे थे, और अंत आते आते गॉडजिला ने कॉन्ग को हरा दिया, और अगर वो चाहता तो इस बार भी उसे मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं क्योंकि वो समझ चुका था कि कॉन्ग का हार्ट बीट स्लो हो रहा है, तो कुछ ही देर में वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। इसके अलावा उसे मेगा गॉडजिला का सिग्नल मिल चुका था, जिसको मारने के लिए वो कॉन्ग को उसी हालत में छोड़कर चला जाता है। लेकिन खुशकिस्मती से एक डॉक्टर की टीम ने शॉकवेव की मदद से कॉन्ग के हार्ट बीट को फिर से रिजेनरेट कर दिया, और तभी जोया कॉन्ग के पास आके कहती है कि तुम्हारा दुश्मन मेगा गॉडजिला है, जिसके ऊपर यकीन करके कॉन्ग मेगा गॉडजिला को हराने के लिए चला जाता है। वही दूसरी तरफ मेगा गॉडजिला गॉडजिला को हराकर गॉडजिला के मुंह में एटॉमिक लेजर बीम डालने ही जा रहा था। ऐसे में कॉन्ग आके मेगा गॉडजिला के ऊपर अटैक कर देता है। ऐसे में गॉडजिला को समझ में आ जाता है कि कॉन्ग कैसा टाइटन है, तो दोनों ने मिलकर मेगा गॉडजिला के ऊपर हमला कर देता है, और आखिर में कॉन्ग अपने एक्स की वार से मेगा गॉडजिला को हरा देता है। और उसके बाद कॉन्ग अपने एक्स को नीचे रखकर गॉडजिला को रेस्पेक्ट दिखाता है, तो वही गॉडजिला भी अपना सर झुकाकर पानी के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर अब तक आप सभी को ये जरूर समझ में आ गया होगा कि गॉडजिला असल में कैसा मॉन्स्टर है और उसने कॉन्ग को आखिर क्यों नहीं मारा। अभी आप सभी को ये जानने में ज्यादा दिलचस्पी होगी कि उसने म्यूटोस और किंग गिडोरा को क्यों मारा था। तो यहाँ पर पहली बात, म्यूटोस अपने अंडे को गॉडजिला के बॉडी के अंदर डालना चाहता था, जिस वजह से उन दोनों में से एक का मरना तय था। जैसे कि गॉडजिला म्यूटोस से काफी ज्यादा ताकतवर था, तो उसने उसे हरा कर मार दिया था। अभी दूसरी तरफ किंग गिडोरा दूसरे प्लेनेट से आया एक मॉन्स्टर है, जो कि अपने अल्फा रोर की मदद से सारे मॉन्स्टर को जगाकर गॉडजिला के ऊपर हमला किया था, जिसकी वजह से गॉडजिला ने किंग गिडोरा को हराया, और फिर नेचर ऑफ लॉ को ब्रेक करने के कारण गॉडजिला ने किंग गिडोरा को मार दिया था। और आखिर में आप सभी ने देखा होगा कि सारे टाइटन किस तरह गॉडजिला के सामने सर झुकाकर उसे किंग ऑफ मॉन्स्टर यानी कि अल्फा बना दिया था, और उसके बाद गॉडजिला वापस पानी के अंदर चला गया। इसका मतलब धरती पर जब जब नेचर ऑफ लॉ खत्म किया जाएगा,
तब तब गॉडजिला उसकी रक्षा करने के लिए वापस आएगा। तो गॉडजिला ने किंग कॉन्ग को क्यों छोड़ा था, इसके बारे में अगर आपके पास कोई और थ्योरी है तो वो नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।